जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि जन्म होते ही पैदा होते ही बेटी का समान अधिकार रहेगा पिता की प्रॉपर्टी में। जी हां दोस्तों, पहले क्या था, 2005 प्रॉपर्टी एक्ट बना था, उसमें 2005 से पहले जन्मी हुई बेटियों के अधिकार नहीं थे, लेकिन अब सभी बेटियों के, कुल मिलाकर सिंपल लैंग्वेज में समझोगे, बेटी जिस दिन पैदा हो गई उसकी पिता की प्रॉपर्टी में समान इक्वलिटी अधिकार रहेगा। मान लीजिए उसका भाई का अधिकार है, उतना ही उस बहन का भी अधिकार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम होती थी और काफ़ी एक भी पॉजिटिव सोचा जाए, आजकल पत्नियाँ ये कहती कि हम तो अबला है, असक्षम है, तो अब ये वर्ड भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब अबला भी नहीं रही आप लोग और असक्षम भी नहीं रही, क्योंकि आप पति से जो मेंटेनेंस मांग रहे हो आप लोग, तो आपके पास अब प्रॉपर्टी भी हो गई भाई, आपके पास प्रॉपर्टी भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह भी दिया है कि भाई अब जो आपकी प्रॉपर्टी पिता की प्रॉपर्टी में, उसमें आपका पूरा अधिकार है, तो अब आप ये वर्ड तो नहीं बोल सकोगे, कम से कम इतनी इज्जत तो आपको होना चाहिए कि भाई अब आप अबला और नित्या, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो। आप भरण पोषण खुद का कर भी सकते हो, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है आपकी, तो उसका कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि भाई अब नारी के पास भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी। पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका हिस्सा होता है, अगर उसका भरण पोषण पति की तरफ से नहीं मिल पा रहा तो वह खुद की प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके उससे भी भरण पोषण कर सकती है। देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है, बट जो पति लोग परेशान होते हैं, पति लोगों की जो खिलाफ ये एप्लीकेशन लगती है मेंटेनेंस की, भाई भरण पोषण दिलाए, हम सक्षम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वह अब लगा सकते हैं रिटर्न रिप्लाई में कि भाई अब पिता की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियरली कह दी, तो फिर असक्षम एसआई कैसे हो सकती है पत्नी? भाई जब उसके पिताजी की प्रॉपर्टी में उसका पूरा अधिकार है तो एसआई और असक्षम कैसे होती हो सकती है पत्नी? तो डेफिनेटली आप मेंटेनेंस के रिटर्न जो रिप्लाई होगा उसमें यूज कीजिए इसको जजमेंट को। भाई जब बेटी का अधिकार पूर्ण रूप से पिता की प्रॉपर्टी में कर दिया जन्म से ही, तो आफ्टर मेरी शादी के होने के बाद भी जो लड़की होती है, जो पत्नी बन के आती है, उसका पूरा अधिकार होता है पिता की प्रॉपर्टी में। फिर भी अगर पत्नी नहीं रहती, पत्नी एक्सपायर भी हो जाती है, तो उसके बच्चों का अधिकार होता है, मतलब नाना की प्रॉपर्टी में अधिकार होता है बच्चों का। तो अब कुल मिलाकर जो ऐसा है और ये अबला वाला नाटक है, ड्रामा है, ये ख़त्म करें। और अपने भाई पतियों पे आप केस ठोक रहे हो मेंटेनेंस के लिए, तो पिता पे भी ठोकिए आप, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी में तुम्हारा अधिकार है, तो उस पर ठोकिए। भाई पति की प्रॉपर्टी में तो आपका कोई अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार से, अब पिता की प्रॉपर्टी में, तो अब तुमको पिता से मेंटेनेंस लीजिए, बोलिए भाई या तो मेंटेनेंस दीजिए या फिर हमारा प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए, सीधी सड़क क्लियर बात है भैया। तो देखते हैं दोस्तों कितने लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं, कितने लोग नहीं है। भाई बोलने का आपको अधिकार मिल चुका है, लड़के जो पति लोग कहते हैं भाई मेंटेनेंस का केस बनता तो आप बोल सकते हो भाई पत्नी के पास तो प्रॉपर्टी है, उसके पिता का प्रॉपर्टी पूर्ण अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली जजमेंट निकाल दिया।